हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर कर रहे हैं डिटरमिनेंट्स। पिछले वीडियो में हमने लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करना बताया था बाय फाइंडिंग इनवर्स, ओके। और नाउ सेकंड मेथड टू सॉल्व द लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशंस इज क्रेमर्स रूल, जिसको कि डिटरमिनेंट मेथड्स भी कहते हैं। आज उस मेथड से हम लोग लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, ओके। देखिए और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ओके। अब हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। पहले तो मेथड प्रोसीजर देखेंगे कि हाउ वी सॉल्व द लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशंस बाय क्रेमर्स। तो देखिए, क्रेमर्स रूल और इसको डिटरमिनेंट मेथड भी कहते हैं, डिटरमिनेंट मेथड टू सॉल्व लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशंस। लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने का क्रेमर्स रूल, ओके। देखिए, सबसे पहले हम इसमें टू वेरिएबल्स का बताएंगे, फिर फॉर थ्री वेरिएबल्स का पूरा प्रोसीजर बताएंगे, ओके। तो इसको देखा जाए, फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज इन टू वेरिएबल्स देखिए, सॉल्व हमने आर्टिकल को सॉल्व में बना दिया, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई इज इक्वल टू सी वन एंड ए टू एक्स प्लस बी टू वाई इज इक्वल टू सी टू बाई क्रेमर्स रूल। इसे हमें क्रेमर्स रूल से सॉल्व करना है। इसमें आपको पूरा प्रोसीजर आ जाएगा, जस्ट हम इस पे एक क्वेश्चन बता देंगे, ओके। क्या करते हैं, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन में यू हैव टू फाइंड डी। डी होता क्या है, ये जो एक्स वाई के कोएफिशिएंट्स हैं ए वन बी वन ए टू बी टू, इनसे डिटरमिनेंट देख लीजिए, ए वन बी वन ए टू बी टू, और ये वैल्यू टू अप्लाई क्रेमर्स रूल मस्ट नॉट बी नॉट इक्वल टू जीरो, मस्ट नॉट नॉट इक्वल टू जीरो, ओके। ये जीरो नहीं होना चाहिए, अगर जीरो होगा तो वी कांट अप्लाई द क्रेमर्स रूल, ओके। ये ध्यान रखना है, टू अप्लीकेबिलिटी ऑफ या फॉर द अप्लीकेबिलिटी ऑफ क्रेमर्स रूल डी इज नॉट इक्वल टू जीरो, ओके। जब डी नॉट इक्वल टू जीरो आ जाए, देन वी हैव टू फाइंड डी वन। D1 कैसे निकालते हैं, जो x के, देखिए ये x के कोएफिशिएंट, ये y के कोएफिशिएंट्स है, तो x के कोएफिशिएंट्स के प्लेस पे c1 c2 और यहां b1 b2 निश्चित है, भी वैल्यू आ जाएगी, ये भी वैल्यू आएगी, एंड देन d2 में क्या करते हैं कि ये जो y के कोएफिशिएंट है इनके प्लेस पर c1 c2 रख देते हैं। तो यहां पे देखिए a1 a2 एंड c1 c2, यानी आपको तीन वैल्यूज मिल गई, देयर आर थ्री वैल्यूज बी गए डी डी वन एंड डी टू, देयरफॉर जो इसका एक्स वैल्यू आती है, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू डी वन बाय डी एंड वाई इज इक्वल टू डी टू बाय डी। ये पूरा का पूरा प्रोसीजर था क्रेमर्स रूल का। अब हम जस्ट क्रेमर्स रूल पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं टू वेरिएबल्स का, एक्स एंड वाई का। देखिए, सॉल्व एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, इसपे ध्यान रखिए, इसमें सबसे पहले d निकाला जाता है, अगर d नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो आगे प्रोसीड करेंगे, अदरवाइज वही लिख देंगे कि क्रेमर्स रूल इज नॉट, ओके। सॉल्व एक क्वेश्चन है, इसमें सॉल्व x प्लस y इज इक्वल टू 5 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 30 बाय क्रेमर्स रूल। इसको किससे सॉल्व करना है, क्रेमर्स रूल से सॉल्व करना है, जिसको डिटरमिनेंट मेथड भी कहते हैं, राइट। मैट्रिक्स मेथड से पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि हम कैसे मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को, लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशंस को क्रेमर्स रूल से। देखिए, इसमें सबसे पहले कहा था डी फाइंड आउट करिए, एक्स के कोएफिशिएंट्स क्या है 1 2 और वाई के कोएफिशिएंट्स क्या है 1 3, वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, 3 - 2 इज इक्वल टू 1 जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, it means we can apply Cramer's rule, right, to solve these equations, okay।
तब कहा था d1 फाइंड आउट करिए, d1 के लिए क्या कहा था, जो x के कोएफिशिएंट थे उनके प्लेस पे 5 और 13 पुट कर दीजिए, 1 3 इसकी वैल्यू फाइंड आउट करिए, 15 minus 13 is equal to 2, right? And then d1 के लिए क्या कहा था, इस y के कोएफिशिएंट के प्लेस पे क्या रखना होता है, 5 और 13 इसकी वैल्यू कैलकुलेट करिए, क्या आएगा 13 minus 10 is equal to 3, okay? इस तरह से हम लोग क्रेमर रूल का d1 और d2 फाइंड आउट कर लेंगे, क्या है d2, right? And therefore x is equal to d1 upon d, it means q upon 1, d2 का भी वैल्यू, and y is equal to d2 upon d, 3 upon 1, जो की वैल्यू कितनी आ गई 3, and therefore जो हम लोगों ने वैल्यू फाइंड आउट करी है वो क्या निकाली है, x is equal to 2 and y is equal to 3, ये क्रेमर्स रूल से सॉल्व हो गया, okay? Now for 3 variables we get 3 equations which are given in 3 variables and we have to solve those linear simultaneous equations with the help of Cramer's rule, okay? First of all procedure, see the procedure to solve the Cramer's rule, okay? Solve a1x plus b1y plus c1z is equal to d1, a2x plus b2y c2z is equal to d2, and a3x plus b3y plus c3z is equal to d3. These are three linear simultaneous equations and we have to obtain the solution of these equations by using Cramer's rule. Okay, first of all we have to find d. What is d? Coefficient matrix, coefficients of x, y, z, determinant of coefficient of x, y, z. देखिए क्या है, x coefficients है a1, a2, a3, y coefficients है b1, b2, b3, and z coefficients of c1, c2, c3, okay, and it must not be equal to 0. 0 नहीं होना चाहिए Cramer's rule apply करने के लिए. D1 फाइंड आउट करने के लिए कहा था कि जो x के कोएफिशिएंट है इनमें ये जो कांस्टेंट्स वैल्यू है उन्हें पुट कर दीजिए, d1 d2 d3 d1 d2 d3 c1 c2 c3. d2 फाइंड आउट करना है, व्हाट विल बी द d2, d2 विल बी जो y कोएफिशिएंट है उनके प्लेस पर d1 d2 d3 पुट करिए, a1 a2 a3 d1 d2, d3, c1, c2, c3, it is d2, and now d3, d3 find out कैसे करते हैं, z coefficient के प्लेस पर, ये जो z coefficient के प्लेसिंग है, इन जगहों पर d1, d2, d3 प्लेस कर देते हैं, and now d3 is equal to a1, a2, a3, b1, b2, b3, and d1, d2, d3, ये हमने four values निकाल लिया, कौन से d, d1, d2 and d3, and therefore x will be d1 upon d, y will be d2 upon d, and z will be d3 upon d. ये पूरा का पूरा procedure रहा to solve the linear simultaneous equation with the help of Cramer's rule, okay? Now we take example to solve the linear simultaneous equations with the help of Cramer's rule. अगर आप biology की book लिए हैं, तो उसका question number है 16, last question है, and which we have to solve by using Cramer's rule. Okay? तो देखिए, एक question हम solve करा रहे हैं three variables का by using Cramer's rule. ध्यान दीजिए. Given linear simultaneous equations are ठीक क्या दिए हैं, x plus y plus 2z is equal to 1, 3x plus 2y plus z is equal to 7, and 2x plus y plus 3z is equal to 2.
and we have to solve these given linear simultaneous equations by using Cramer's rule. तो आप जानते हैं हमें चार वैल्यूज फोर डिफरेंट डिटरमिनेंट्स वैल्यूज निकालनी होंगी एंड दे आर डी डी1 डी2 एंड डी3 ओके डी की वैल्यू फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड डी एंड दैट इज नॉट इक्वल टू 0 देन वी कैन अप्लाई क्रेमर्स बता चुका हूं डी फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले कोएफिशिएंट्स x y z x के कोएफिशिएंट्स 1 3 2 y के कोएफिशिएंट्स देखिए 1 2 1 and coefficients of z are 2, 1, 3 and इसको expand करके value निकाल लीजिए find out करिए क्या आएगा देखिए 1 into 6 minus 1 minus 1 into 9 minus 2 and next one is 2 into 3 minus 4 simplify करिए 5 यहाँ से देखिए minus 7 यहाँ से देखिए minus 2 कितना आ गया माइनस 4 इट इज डी नॉट इक्वल टू 0 इट मींस वी कैन अप्लाई क्रेमर्स रूल ओके जैसे ही नॉट इक्वल टू 0 आए आप आगे नेक्स्ट स्टेप डी1 फाइंड आउट करिए डी1 में क्या बताया था ये जो x के कोएफिशिएंट है इनके प्लेस पे 1 7 2 आप लिख लेंगे ओके और इवैल्यूएट कर लेंगे डी2 निकालने के लिए इस प्लेस पर 1 7 2 और डी3 फाइंड आउट करने के लिए इस प्लेस पर 1 7 2 लिख देते हैं ओके यही प्रोसीजर बताया गया है राइट तो देन वी हैव टू फाइंड नो निकाले उसे कौन सा d1 की वैल्यू नाउ d1 यहीं से हम लाइन दे रहे हैं इसे लेकिन आप d1 इसमें वैल्यू फाइंड आउट करेंगे नाउ d इज इक्वल टू d1 इज इक्वल टू इस कोएफिशिएंट के प्लेस पे कहां गया है 1 7 2 1 2 1 2, 1, 3 and evaluate it. Evaluate करिए. D की वैल्यू हम लोगों ने minus 4 निकाली हुई है, right? देखिए क्या आता है. D1 expand करिए. 6 minus 1 minus 1 into 21 minus 2 and plus 2 into 7 minus 4. D की वैल्यू क्या आती है? यहाँ से 5 इस जगह से देखिए 21 में से 2 माइनस करेंगे कितना आएगा 19 माइनस 19 और यहां से देखिए प्लस 6 ओके कैलकुलेट करिए कितना आ गया वैल्यू माइनस 8 ओके d2 फाइंड आउट करने के लिए बताया गया था इस y कोएफिशिएंट के प्लेस पे 1 7 2 रखिए अगेन d2 इज इक्वल टू x coefficient same रहेंगे 1 3 2 इस जगह पे क्या रख देना है 1 7 2 and last coefficient 2 1 3 ये आपका d2 right हम लोगों ने d1 की वैल्यू निकाली है minus 8 now d2 expand करिए 1 into 21 minus 2 okay minus 1 into 9 minus 2 ओके एंड प्लस 2 इनटू यहां से देखिए क्या आएगा 6 माइनस 14 सिंपलीफाई करिए यहां से 19 इस जगह से देखिए माइनस 7 और यहां से कितना आएगा माइनस और माइनस 8 इज 16 सिंपलीफाई कर लीजिए 16 और 7 हुआ 23 कितना आ जाएगा माइनस 4 यानी डी2 की वैल्यू भी हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया कितनी आई वैल्यू माइनस 4 नाउ डी3 के लिए क्या बताया गया था डी3 के लिए बताया है कि जो जेड कोएफिशिएंट है उनके प्लेस पे इन्हें 1 7 2 को प्लेस करो राइट देखेंगे इसे अगेन डी3 अब तो कंटिन्यू रखेंगे डी3 लिख के राइट डी3 इज इक्वल टू इस 1 7 2 को हम लोग इस प्लेस पे ला देंगे यहां पे ला देंगे 1 7 राइट तो ब्रेक कर लेंगे वैल्यू इट इज d3 एक्सपेंड करिए इसे 12 लेके 1 into 4 minus 7 minus 1 into 3 to the 6 minus 2 7 to 14 and plus 1 into 3 minus 4 now simplify it
here minus 3, and this comes out to be plus a n minus 1. देखिए कितना आता है 4. It is day 3. हम लोगों ने d, d1, d2 और d3 calculate. Okay? Now x, y, z can be evaluated, calculated. Therefore, x is equal to d1 upon d, देख लीजिए, minus 8 upon minus 4, it is 2. Y is equal to d2 upon d, it is minus 4 upon minus 4 is equal to 1. And z is equal to d3 upon d, d3 equal to 4 upon minus 4, it is minus 1. Therefore, required solution by using Cramer's rule. हम लोगों ने क्रेमर्स रूल को अप्लाई करके वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया. देयरफॉर x is equal to आया 2, y is equal to 1 and z is equal to minus 1. It is required solution by using क्रेमर्स रूल. ओके, तो ये लास्ट आर्टिकल था, लास्ट मेथड था इस चैप्टर का. यू हैव टू ट्राई योर एक्सरसाइजेस, एग्जांपल्स. ओके, और इसको जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड्स के होंगे हम सेकंड फेज में, सेकंड राउंड में बताएंगे. ओके, so today it is end of this chapter. ये chapter अभी यहाँ पे finish होता है. Next video में देखेंगे. अगर इसे question बताने वाले होंगे, कुछ लगता है कि छूट गया तो बताएंगे. Otherwise हम next chapter शुरू करेंगे. Okay?